सतना जिले के मझगवा स्थित दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र बाल्मीकि परिसर में शनिवार 1 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन राव भागवत एवं दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष वीरेंद्र पराक्रम आदित्य के द्वारा वीरांगना दुर्गावती जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मझगवा स्थित दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में शनिवार 1 अप्रैल को संघ प्रमुख मोहन राव भागवत और दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष वीरेंद्र पराक्रम आदित्य द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा स्थल को किले का स्वरूप दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि रानी दुर्गावती हमारी पूज्य हैं और हमारे लिए देवी जैसी हैं। रानी दुर्गावती का स्मरण करते उनका स्वाभिमानी पावन चरित्र, अतुलनीय शौर्य, देशभक्ति, हर हाल में हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता, किसी की शरण में न जाना और उनके जीवन की तमाम अन्य बातें हमारे लिए अनुकरणीय हैं। सामाजिक जीवन में रहने वालों को रानी दुर्गावती के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। गौरतलब है कि प्रतिमा अनावरण का संपूर्ण कार्यक्रम स्थापना से लेकर जन भागीदारी से किया गया। यह कार्यक्रम सामूहिक प्रयत्न का परिणाम है और सभी इसमें सहभागी हैं। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा प्रत्येक पंचायत स्तर पर 5 लोगों का समूह बनाकर हर घर में संपर्क कर सभी परिवारों को कार्यक्रम का ब्रोशर, कैलेंडर, वीरांगना दुर्गावती से संबंधित साहित्य सामग्री का वितरण एवं आमंत्रण का कार्य किया गया था और चित्रकूट, मझगवा, बीरसिंहपुर, वरंधा और जैतवारा मंडलों में सघन संपर्क स्थापित किया गया था। इसके लिए अतिरिक्त चित्रकूट से लगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लोगों से संपर्क करके कार्यक्रम में सहभागिता हेतु आमंत्रित किया गया था। इस प्रकार लगभग 2,00,000 लोगों तक साहित्य को पहुंचाने का कार्य किया गया था। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की प्रदर्शनी, पूज्य साधु संतों के दर्शन एवं आशीर्वाद तथा ग्रामीण क्षेत्र की विरासत और परंपरा पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित पोषक अनाजों की उपयोगिता पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। रानी दुर्गावती हमारी पूज्य है, हमारे लिए देवी जैसी है, लेकिन उनका स्मरण करते समय उनका ये स्वाभिमानी चरित्र, उनका ये पवित्र चारित्र्य, उनका वह अतुलनीय शौर्य, देशभक्ति, हर हालत में हर परिस्थिति का सामना करना, शरण नहीं जाना, इस प्रकार का दुर्दैन्य धैर्य, जन जन के प्रति उनका अपनापन, कुशलता पूर्वक सब लोग सहभागी हो, ऐसे विकास का पथ, उसके निर्माण करने की कला, उसके निर्माण करने के पीछे जो मूल तत्व है, वो सब भारतवर्ष के समाज की एकता आदि आदि उन्होंने दिग्दर्शित की हुई बातें, ये हमारे लिए अनुकरणीय है। हम में से जो अध्येता है, जो जानते हैं, वो अध्ययन करें, जो प्रजा से संवाद करते हैं वो सब इन बातों का प्रचार करें और उन सब बातों को समझकर हम सारे लोग उनके पथ का अनुसरण अपने आचरण से करें, इसकी बहुत आवश्यकता है।